उनकी जिंदगी भी दिखती है। गाने में कौन सा संघर्ष है पगला? गाने में कोई संघर्ष नहीं होती है। देखिए, एक सटीक चीज होती है, जो अगर आप इस धरती पे जो भी चीजें हमारे हमारे आम भाषा में चीजें होती है, वो बहुत बड़ा हिट होता है। और ये आम भाषा में हर आदमी बोलता है ठीक है ठीक है, तो एक आम भाषा की चीज थी और लोगों ने पसंद किया। मैं पहले ही बोला कि म्यूजिक का रूप दे दिया मैंने, बशर्ते ऐसा नहीं कि मैंने इसको पैदा किया, ये मेरा पैदा किया हुआ चीज नहीं है। और ये आजाद की सोच थी, जो मेरा छोटे भाई की तरह है। और आजाद ने सोचा और उसने बोला कि भैया हम लोगों ने गाना लिखे हैं, देखिए तो कैसा है। तो उसमें कुछ शब्द हम लोग अपने तरफ से, सब लोग बैठते हैं तो हम लोग अपनी चीज़ों से, और ज़्यादा फनी में ज़्यादा मुझे विश्वास होता है। ये गाना फनी ही है, देखा जाए तो हरा हरा खून बहल, ये सब जो चीज़ें हैं तो काटलेस कुकुर साला हरा हरा खून बहल, तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब हमारे यहाँ मैंने ये कॉमेडी टाइप का है, तो लोगों को अच्छा लगा, मज़ा आ रहा है, तो लोग सुन रहे हैं और बड़ा प्यार मिल रहा है। मुझे लगता है कि मेरे करियर का सही आरंभ के लिए ना एक गाना था मेरा, उसके बाद बहुत सारे गाने मेरे हिट हुए, लेकिन ये सबसे ऊपर बजा, जो कि आज इंटरनेशनल बज गया। मेरा पहला कोई गाना होगा जो इंटरनेशनल बज गया, और भोजपुरी का दूसरा गाना है इंटरनेशनल बजने वाला। तो कोशिश रहेगी यही कि जहाँ भी हमारे भोजपुरी ऑडियंस हैं उनके दिल को, जहाँ भी हम रहें, और जो भोजपुरी को नहीं जानते हैं वो भी दुनिया कहे कि हाँ भोजपुरी में भी ऐसे ऐसे गाने बनते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। तो कोशिश यही है हमारी। नए साल की शुरुआत हो गई, तो काका जब शुरुआत कैसे नए साल